होगा ठाकुर तुम। दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब शाहीन बाग, शर्जिल इमाम, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आ गई है। लेकिन सोमवार को दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार करते करते बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर सारी सीमाएं लांघ गए और उन्होंने मंच से एक ऐसा नारा लगवाया जिससे विपक्ष के तेवर कड़े हो गए। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर अनुराग ठाकुर ने ऐसी टिप्पणी की जिसे पूरा हम आपको सुना भी नहीं सकते। अनुराग ठाकुर ने सीए का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो को। लेकिन अब अनुराग के इस बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चुनौती दी है। ओवैसी ने कहा कि अनुराग ठाकुर मुझे भारत में वो जगह बताएं जहां वो मुझे गोली मारेंगे, मैं वहां आने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपके बयान से डरता नहीं हूं क्योंकि हमारी माँ और बहनें बड़ी संख्या में सड़क पर हैं। उन्होंने देश को बचाने का फैसला लिया है। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अपने दिल्ली के इलेक्शन में कहती है कि देश के गद्दारों को गोली मारो को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है, तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हम इतने तादाद में है कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं, मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाहूं। ओवैसी ने कहा कि ये वतन को बचाने और गांधी के उसूलों को जिंदा रखने की लड़ाई है, आज हमें बीजेपी छोड़ो का नारा लगाना पड़ेगा। ओवैसी ने ये बात नागपाड़ा के झूला मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल इससे पहले अनुराग ठाकुर ने एक रैली के दौरान विवादित बयान दिया था जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसे लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसके लिए 30 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी से कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे देश में लागू हो चुका है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन भारत में ही कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में इस कानून के विरोध में पिछले 1.5 महीने से महिलाएं धरने पर बैठी हैं, जिसकी वजह से दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता बंद है। चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर भी खूब सियासत हो रही है। देश के गद्दारों को कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अपने दिल्ली के इलेक्शन में कहती है कि देश के गद्दारों को गोली मारो को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है, तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हम इतने तादाद में है कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं, मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाहता हूं, मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अफसोस नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें जब रोड पर निकल कर आई है तो माँ और बहनों ने फैसला कर लिया है
कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते हैं। रात का मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो। कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और सालिम खत्म होगा। मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हिटलर के जमाने में एक फाइनेंस मिनिस्टर था वाल्टर फिंच, लग रहा था कि वाल्टर फिंच बोल रहा है। अंदाजा लगाइए कि देश के गद्दारों को गोली मारेंगे। अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं है। अरे जब हमारे बुजुर्गों ने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया तो हमने फांसी के फंदे को चूमा, आज हम उनके जानशीन हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ही रगों में उन बुजुर्गों का खून दौड़ता है। तुम्हारी ये बबर भक्तियां, तुम्हारी ये गोलियां अब काम में आने वाले नहीं है। मगर अब तुम जान चुके हो कि अब तुम्हारे दिल में डर पैदा हो चुका है।